सलाहकार के ऊपर मैंने ऑलरेडी से एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मेन टॉपिक अपने फुल सीरीज के रिव्यू की बात करते हैं। सो यहाँ पर मुझे ये जो सीरीज है ना, ये देखकर बहुत ही हंसी आ रही है। मतलब मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, मतलब मैं हंसू या रोऊं मुझे यही पता नहीं है लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सो जो स्क्रीन पर जो आप लड़की देख रहे हो, जो औरत देख रहे हो, इसकी लाइफ में हमेशा चुद्दी बनी रहती है। हाल ही फिलहाल में एक महीने पहले शायद पलंग तोड़ की एक सीरीज आई थी जिसका नाम है आधा अधूरा प्यार। उसमें भी इस औरत को इस्तेमाल किया गया था और उसी में भी मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। सो उसमें भी इस लड़की, इस औरत को बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल पा रही थी। तो ये अपने भतीजे से और उसके दोस्त से खुद को खुश कर ले, मतलब उसने किया था। सो यहाँ पर मतलब इस औरत के लाइफ में चुद्दी बनी रहती है। अब इसका जो पाला है ना, ये फिर ऐसा ही गांडू से पड़ा है जो स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका नाम है, पता नहीं नाम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ इससे उसका पाला पड़ चुका है। और अब ये भाई साहब क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं ये, उस फैक्ट्री में चले जाते हैं। वहाँ पर उनका एक काफ़ी जिगरी दोस्त होता है जिसका नाम होता है कमलेश। अब कमलेश मेरी भी लाइफ से एक बहुत ही बड़ा राज है, मुझे ऐसे लोगों से काफ़ी नफरत है, यानी तो वो मेरे बातें हैं, बाद में आपको किसी वक्त में बताऊंगा। सो यहाँ पर जो कमलेश है ये बनता है सलाहकार। अब वो किस तरीके सलाहकार बनता है मैंने ट्रेलर वाले वीडियो में आपको बताया था। सो ये भाई साहब क्या करते हैं, जो कमलेश भाई साहब है ये उसके दोस्त को खुश कर कहते हैं कि तुम अपनी बीवी से पूछ के देख तू खुश है या नहीं, तुम सेटिस्फाई होती हो या नहीं। सो ये भाई साहब पूछ लेते हैं, चलो तुम सेटिस्फाई हो। वो कहती है हाँ हूँ, लेकिन आपका बहुत जल्दी हो जाता है। हंसी हार रही है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। सो यहाँ पर ऐसे ही वो कुछ उसे पूछता रहता है। फिर ये भाई साहब उसकी बीवी की ये बात वो कमलेश को आके बताता है, तो कमलेश उसे एक दवा का नाम बताता है। अब दवा खा के ये भाई साहब काफ़ी जोश में आ जाते हैं, इतने जोश में आ जाते हैं कि इनका जो स्पर्म है ना वो रुकता ही नहीं है, वो डायरेक्टली निकल जाता है। सो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। और ये अब रात को गोली खाकर बीवी के ऊपर लेट चुका है, पूरी तरीके से जोर लगा रहा है। बीवी कहती आज थोड़ा अच्छा था, और ये भाई साहब कहते कि मैंने गोली खाकर ऐसा ऐसा किया है। सो ये कहते हैं बहाने मत बनाइए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, ये भी अच्छा नहीं था। सो ये फिर से कमलेश को आकर बताता है कि नहीं ऐसा भी, ये फिर ये अनखुशी रही। सो यहाँ पर एक और बार ये एक आइडिया देता है कि तुम उसका कहीं से सेक्स वाला रिश्ता बना लो। तो ये भाई साहब हाँ कर देते हैं और अपनी बीवी को डायरेक्टली पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बंदे का इंतजाम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अब बीवी भी उसे भी यही चाहिए था, वो क्या करती है, बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पुराना दोस्त है ना, मैंने उसके साथ बहुत बार किया है। ये भाई साहब हाँ कर देते हैं तुरंत। और वहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, हैरी नाम से एक सख्त लौंडा जो स्क्रीन पर देख सकते हो, उसका नाम होता है हैरी। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार उल्लू की इस सीरीज में थ्रीसम सेक्स देखने को मिलता है, लेकिन ये थ्रीसम सेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि जो बीवी है ना उसकी लाइफ की चुत्तड़पना हमेशा चालू ही रहता है। अब यहाँ पर वो किस तरीके से होता है, ये मैं जो आपको जो फोटो अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ ना, ये थोड़ा ब्लर है, लेकिन इसको देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, जो हैरी है ना वो उस भाई साहब के साथ ही कर लेता है, और जो और ये जो औरत है ना ये बस देखती रहती है, रोती रहती है। सो बस आज की मजदूरी को ये ख़त्म कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब के बटन को लाल से ग्रे करने के लिए, काला करने के लिए उसे कुछ तो फेंक के मारो, कुछ तो ऐसे भारी चीज़ फेंक के मारो कि वो बहुत जल्दी काला हो जाए। और अपने इस वीडियो को अपने किसी भरे हुए दोस्त के साथ शेयर कर लेना। तब तक के लिए भाड़ में जाइएगा।